क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 8.3। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक सिटी की पॉपुलेशन, ये देखो 25,000 थी, फिर वो घट के कितना हो गई, डिक्रीज का मतलब क्या होना, कम होना। तो 25,000 थी, घट के कितनी हो गई, 24,500। घटी ना, ये ज़्यादा था ना 25,000, तो एक घट के कितनी हो गई, डिक्रीज हो करके कितनी हो गई, 24,500। आपको बताना कितने परसेंट डिक्रीज हुए, क्या बताना कितने परसेंट डिक्रीज हुए। तो पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 25,000। लिखेंगे हम इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल का मतलब पहले कितनी थी, 25,000, फिर कितनी हो गई बाद में, उसको लिखेंगे फाइनल, लिख लेंगे फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 24,500। घटी ना, ये डिक्रीज हुई ना, कितनी घटी, तो डिक्रीज कितनी घटी वो माइनस करके पता चलेगा, 25,000 में से माइनस करो 24,500, तो 500 डिक्रीज हो गए, माइनस करके देख लेना ये 500 आएगा। ये तो डिक्रीज आई, हमने डिक्रीज का क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है, डिक्रीज परसेंट। तो कितने प्रतिशत डिक्रीज हुई, उसके लिए जितनी डिक्रीज हुई है, 500 हुई थी ना, इसको डिवाइड कर लेना जो शुरू में पॉपुलेशन थी, कितनी थी, 25,000 थी शुरू में, यही थी ना, और उसको मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हो, परसेंट का साइन आ जाएगा, 1020 1020, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी चला गया, 25 ones are 25, 25 2s are 50। तो कितने परसेंट डिक्रीज हुई, 2% डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो आगे, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। आतिफ बॉट ए कार फॉर रुपीज इतने, 3,50,000। आतिफ ने एक कार खरीदी कितने की, 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल कार की कीमत बढ़ गई, अप का मतलब बढ़ जाना, कितनी बढ़ी मतलब कितनी हो गई, पहले 3,50,000 थी, अब कितनी हो गई, 3,70,000, बढ़ गई ना। आपको बताना है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितने परसेंट बढ़े। बहुत आसान, जैसा ये बनाया था ऐसे ही लिख लो, इनिशियल प्राइस कितना, 3,50,000। उसके बाद फाइनल प्राइस क्या हो गया उसका, फाइनल प्राइस कितना, 3,70,000। तो बढ़ा ना ये, तो इंक्रीज, इंक्रीज इन प्राइस, इधर भी ऐसे लिख सकते थे आप, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इन प्राइस कितना बढ़ा, 3,70,000 में से माइनस कर लेना है 3,50,000। तो जब ये आप रफ में जाके माइनस कर लेना है, 20,000 जो है ये प्राइस जो है बढ़ गया है, कितना बढ़ा, 20,000। आप क्या करना है इसको, परसेंटेज में भी चेंज करना है, परसेंट इंक्रीज, डिक्रीज नहीं लिखना अब, इंक्रीज है। तो सबसे पहले जो इंक्रीज हुआ था वो 20,000 हुआ था, को डिवाइड करना किसके साथ, इनिशियल शुरू में क्या थी उस कार की कीमत, द्वारा पीछे देखना पड़ेगा हमें, वो थी 3,50,000, उससे डिवाइड कर लूंगा, 3,50,000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किसके साथ, 100 के साथ।
ध्यान से अब जीरो काटने हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये ना ये। अब देखो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 200, और इसको डिवाइड करना किसके साथ, 35 के साथ, परसेंट का साइन। अभी भी ये वैसे जा रहा है, थोड़ा इसको आसान कर सकते हो, 5 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, आप इधर भी कैंसिल कर सकते थे, चलो इधर कर लो कुछ नहीं होता। 5 के टेबल में ये 5 40s एंड 5 7s, ठीक है। अब कितना आ गया, 40/7 आ गया, तो ये आ गया 40/7%। अब इसको भी आपने क्या करना है, रफ में जाके डिवाइड, इधर करता हूँ मैं, 40 को डिवाइड करो किसके साथ, 7 के साथ, जीरो में से 5 गया तो कितना हो गया 5, तो क्या है फिर ये 5 से ही 5/7%, ये इसका आंसर आ गया, ये डिवाइड किया मैंने, ठीक है। यस, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये रफ वर्क है इसका डिवीजन की, तो क्या आंसर आया, 5 से ही 5/7%। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते थे, लेकिन पॉइंट में अगर इसको निकालते तो ये चलता ही जाता, ख़त्म ही नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको मिक्स में कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। आई बाय ए टीवी, मैंने एक टीवी खरीदा ₹10,000 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है ये 10,000, और फिर उसको बेच दिया एक प्रॉफिट पे, कितने प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, तो बताओ मेरे को कितने पैसे फिर मिले। तो देखो सीपी ऑफ द टीवी खरीदा ना, सीपी ऑफ द टीवी ₹10,000, प्रॉफिट कितना है, 20% किसके ऊपर हुआ, 10,000 पे, जब उसको बेचा तो। इस तरह का आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ, 20/100 मल्टीप्लाई 10,000, 1 2 0 1 2 0, तो सीधा सीधा आ गया कितना, 2 1s 2, साथ में 1 2 3 0, 2,000 का मेरे को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ जब मैंने उसको बेचा तो, तो बताओ मेरे को कितना पैसा मिला। तो देयरफॉर एस पी ऑफ द टी वी, एस पी क्या होता है, सेल करना बेचना, एस पी ऑफ द टी वी, तो वो कैसे मिलेगा, सी पी में प्रॉफिट को प्लस कर देना है, तो सी पी कितना था 10,000, उसमें प्रॉफिट अभी निकाला 2,000, वो प्लस कर देना है, तो 10,000 में 2,000 ऐड किया तो कितना हो गया 12,000, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, एस पी आ गई टीवी की। देखो 10,000 में खरीदा था, 12,000 में बेचा, तो फ़ायदा ही हुआ ना इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हुए हैं, इनको जो भी मैंने स्टेटमेंट समझाई हैं अभी 3 4 5, ध्यान से इसको समझना, कॉपी पे नोट कर लेना, वैसे मुश्किल नहीं थी ये, तीनों आसान थे।